एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड आप सब अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, बिकॉज ये जो है हाफ ईयरली का सीजन है। हर स्कूल में मिड सितंबर तक हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और हमें जो है अपने सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एस करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू वी एस ऑल आर एग्जाम्स? देन ऑफ कोर्स अनअकैडमी इज द आंसर, अनअकैडमी इज द सॉल्यूशन टू एस ऑल आवर स्कूल एग्जाम्स, बिकॉज अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विद द टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम इंडिया टीच यू एंड देर आर डिफरेंट कोर्सेज विच यू कैन लर्न। अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग कोर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो आपको जो कोर्स पढ़ना हो, आपको साइंस पढ़नी है, आपको सोशल साइंस पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है या इंग्लिश पढ़ना है, कोई भी आपको कोर्स पढ़ना हो तो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हो, अपने आप को उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड PJAIN10, बिकॉज जब आप मेरा कोड यूज करोगे, विच इज ऑल्सो मैंशन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जब आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। Yes, you heard me right. You'll straight up get flat 10% off. आपको जो भी कोर्स पढ़ना हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, जिस भी क्लास के लिए पढ़ना हो, ये मेरा कोड हर कोर्स पे एप्लीकेबल है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? Just do not miss this opportunity. Just download the Unacademy Learners app. Enroll yourself right now. जो भी कोर्स आपको पढ़ना हो, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10, बिकॉज ये यूज करने से, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, आपको 10% ऑफ मिलेगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। जी हाँ, अब सिर्फ मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी कोर्स मिल जाएगा आपको अनअकैडमी से और प्लीज एनरोल और यूज माई कोड, तो ऑब्वियसली आप कन्विंस नहीं होंगे, राइट? सो अब मैं आपको अनअकैडमी के बेनिफिट्स बताती हूँ कि अगर आप एनरोल करोगे, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, कोर्स सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सो सबसे पहले बेनिफिट तो ये है कि यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस। अभी कहीं आप अगर फिजिकली ट्यूशन ले रहे होते हैं अपने किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको घर से ट्यूशन टीचर तक के घर जाना पड़ता है, इतनी धूप होती है, इतना टायरिंग होता है, पहले दिन भर की पढ़ाई करो, काम करो और फिर ट्यूशन टीचर के यहाँ जाके ट्यूशंस पढ़ो या किसी इंस्टीट्यूट में जाके ट्यूशंस पढ़ो, बहुत टायरिंग हो जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो अनअकैडमी देती है कि यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस। आप घर बैठे बैठे अनअकैडमी के सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे अटेंड कर सकते हैं, प्लस आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, यहाँ पे आप और मैं इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बट अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर, यू कैन आस्क योर अकेडमिक डाउट्स, कोई भी अकेडमिक डाउट हो आप लाइव पूछ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी जो है आपको पूरा स्टडी मटेरियल देगी, एक पूरा स्टडी प्लानर बना के भी देगी कि आप कैसे अपना कोर्स कवर कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए, आप कैसे अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको एक वीकली रिपोर्ट भी देगी, जहाँ पे वील जस्ट प्रोवाइड कि थ्रू आउट द वीक आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आपने कैसे प्रोग्रेस किया है और आप कहाँ कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत से और बेनिफिट्स होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये तो मैंने बहुत छोटे से और बहुत थोड़े से बेनिफिट्स बताए हैं, बट ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि लाइव टेस्ट भी होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, पेरेंट्स और एजुकेटर का कनेक्ट होता है, जहाँ पे सिर्फ बच्चे को ही नहीं, आज के टाइम पे पेरेंट्स को भी बहुत एंग्जाइटी होती है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कि इनको किस फील्ड में आगे बढ़ाएं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इनको लेने चाहिए या किस सब्जेक्ट्स में माय वॉट विल यू नो एक्सेल, दे विल डू ब्रिलियंटली। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स पेरेंट्स को भी होते हैं, तो पेरेंट्स के सारे सॉल्व डाउट करने का भी प्रोविजन अनअकैडमी में है, दैट इज पेरेंट एंड एजुकेटर कनेक्ट। और ये सारे बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे? जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन कहाँ लेना है, तो आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
एंड देयर यू कैन एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स. कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. अलग अलग पैकेजेस आपको अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाएंगे. 6 months का पैकेज, 12 months का पैकेज, 18 months, 15 months, 24 months, अलग अलग पैकेजेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं. तो जैसा आपको कन्वीनियंस हो, जैसी आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कन्वीनियंस लगे, आप वो वाला पैकेजेस ले सकते हैं. तो आपको तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस करनी ही नहीं चाहिए. एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और घर से पढ़ने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात तो हो ही क्या सकती है. इसके अलावा आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिल रहा है. तो अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. जो भी वो कोर्स पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं. इसलिए वो बेस्ट पढ़ाते हैं, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली यू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. तो इससे बड़ी बात तो और क्या हो सकती है कि आपकी जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट और बेस्ट होने वाली है, क्योंकि जो इस फील्ड में जो बेस्ट लोग हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं. So Unacademy is the solution for all your academic related problems, all your academic related doubts. जो भी आपको पढ़ना है, जैसे भी आपको पढ़ना है, जिस टाइम को आपको पढ़ना है, अनअकैडमी पे ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती है. और आई थिंक इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म और इंडिया में है भी नहीं जो इतने सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करे. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी है. आपको सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी का, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी के ऐप पे. एंड मेरा कोड यूज करना मत भूलेगा, विच इज PJAIN10, क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं. तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आपको मिस करनी ही नहीं चाहिए. ये तो हुई अनअकैडमी की बातें. अब मैं थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताऊं, सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी. आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई डिड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. अब हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और आज का हमारा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज गर्ल एंड बॉयज. ये चैप्टर है सिविक सब्जेक्ट के अंदर. और मैं चैप्टर तो आपको इस पूरे वीडियो में पढ़ा दूंगी, आप अच्छे से समझ के एग्जाम में लिख भी आएंगे, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे से पास भी हो जाओगे. मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो. बट आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर मैं ये ना बताऊं आपको कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सिविक्स, अगर मैं ये ना बताऊं आपको कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, तो हमारी नॉलेज तो इनकम्प्लीट रहेगी ना यार. हमने सिर्फ चैप्टर के बारे में पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, तो वो ठीक है, टेम्पररी नॉलेज आपकी बढ़ गई, बट लॉन्ग टर्म नॉलेज हमें बढ़ानी है बिकॉज हमें नॉलेजेबल पर्सन बनना है. बिकॉज नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन वन एनी वन कैन पोजेस. तो हमें अगर पूरी नॉलेज चाहिए, अगर हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ की, देन ऑफकोर्स हमें एकदम प्रॉपर नॉलेज लेनी है. तो इसीलिए हम पहले समझेंगे कि सिविक्स क्या होता है. ये जो वर्ड है सिविक्स, इसका क्या मीनिंग है. सो सिविक्स अगर मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करूँ, आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, देन सिविक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. यानी कि जो नागरिक हैं किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के, किसी भी नेशन के, तो उन सिटीजन्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती है, यानी कि उन सिटीजन्स के क्या अधिकार होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं उनके अपने नेशन के तरफ, उनके स्टेट के तरफ, कंट्री के लिए क्या उनके राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं. तो ये सब हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं सिविक्स. तो सिविक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सिविक्स की बुक खोलो या सिविक्स का पेपर देने जाओ, एग्जाम देने जाओ, या कहीं पे भी आप ये वर्ड सुनो सिविक्स, तो एकदम आपको एकदम ब्रेन में आपके क्लिक करना चाहिए दैट इट इज समथिंग, इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू आर राइट्स एंड ड्यूटीज. बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री, तो हमारे ही कुछ, हमसे ही जुड़े हुए कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी.
सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये वर्ड सुनो, जब भी आप सिविक्स की बुक खोलो, तो आई होप आपको ये क्लिक करेगा और सिविक्स का मीनिंग आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा. We'll move on to our chapter that is growing up as girls and boys. So as the name of the chapter suggests, growing up. जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं as a girl, as a boy, तो क्या चीजें होती है जो हम सीखते हैं, उसके क्या consequences होते हैं. As a girl जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी होती है. As a boy we are entitled to do what all things and what all things which we cannot do. तो ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर दैट इज ग्रोइंग अप एज गर्ल एंड अ बॉय. तो ये पहले आपको ये चीज समझनी होगी. क्या चीज समझनी होगी, दैट इज कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारे आस पास जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, दे टीच फ्यू थिंग्स टू अस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. जब हम बहुत छोटे होते हैं तब से ही हमें काफ़ी चीज़ें हमारी सोसाइटी सिखाना चालू कर देती है. ये चीज़ें क्या होती हैं, तो ये चीज़ें होती है कि वॉट आर द बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल फॉर अ गर्ल एंड अ बॉय, यानी कि कैसा बिहेवियर एक गर्ल के लिए अप्रोप्रिएट है, कैसा बिहेवियर एक बॉय के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या चीज़ें गर्ल्स कर सकती हैं, क्या चीज़ें वो गर्ल्स नहीं कर सकती, what all things they can do, what all things they cannot do, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो boys कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो boys भी नहीं कर सकते, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो as a girl and a boy आपको करनी चाहिए. ये चीज़ें भी हमें सोसाइटी में बहुत जल्दी समझा दी जाती है. फिर आता है गर्ल्स को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से सॉफ्टली बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए. फिर बॉयज को है कैसे बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे गेम्स खेलने चाहिए, ये भी हमें बहुत छोटी एज से समझा दिया जाता है. बॉयज नीड टू बी टफ, बॉयज नीड टू बी मैनली. जब कभी छोटी एज में 5-6 साल के लड़के रोते हैं तो पहली चीज जो लोग कहते हैं, अरे लड़कियों के जैसे क्यों रो रहे हो, बॉयज लड़कियों के रोते हो. तो हमें बहुत छोटी एज से ही लड़कों को भी ये सिखा दिया जाता है दैट दे नीड टू बी वेरी टफ, दे नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो एज अ गर्ल एंड एज अ बॉय हमें बहुत कम एज में सिखा दी जाती है. कि लड़कियों का फेवरेट कलर तो पिंक होता है, लड़कों का फेवरेट कलर ब्लू होता है, लड़कियों की खेलने की चीजें अलग होती हैं, घर घर खेलती हैं लड़कियां या डॉल्स के साथ खेलती हैं, और लड़कों के खेलने की चीजें अलग होती हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले विद इलेक्ट्रॉनिक टॉयज. ऐसी बहुत डिस्टिंक्शन जो है बहुत यंग एज से ही सिखा दिया जाता है कि ये जो काम है ये सिर्फ लड़कियां कर सकती है और ये जो काम है ये लड़कों को ही करने चाहिए. सो ऐसी चीजें हमें सोसाइटी बहुत कम एज से सिखाना शुरू कर देती है कि इसी टाइप के कपड़े पहनो, इसी टाइप से रहो बैठो. यू नो गर्ल्स हैव टू सिट वेरी प्रॉपरली, दे हैव टू टॉक वेरी सॉफ्टली एंड पोलाइटली, वेर एज बॉयज हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टफ. बॉयज को अगर आजकल भी हम किसी लड़की को स्कर्ट में देख लेते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमने तो बचपन से यही हमें बताया गया था, यही हमें समझाया गया था दैट बॉयज शुड वेयर शॉर्ट्स, दे शुड वेयर पैंट, दे शुड वेयर टी शर्ट एंड शर्ट. लड़कों के कपड़े लड़कियों से बहुत अलग होते हैं, वेयर एज गर्ल्स कैन वेयर स्कर्ट्स, दे कैन वेयर फ्रॉक्स, ऐसे कपड़े लड़कियां पहन सकती हैं. तो ये सारी चीजें जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सिर्फ ये है कि हमें बहुत कम एज में सोसाइटी ये सारी चीजें समझा देती है, ये सारी चीजें सिखा देती है दैट देयर आर सर्टेन रोल्स दैट ओनली गर्ल्स शुड डू एंड देयर आर सर्टेन रोल्स, देयर आर सर्टेन वर्क which only boys should do. So all these things teach children that they have specific roles to play when they grow up and become men and women. तो क्योंकि हमें ये चीज़ें बहुत बचपन से ही सिखा दी जाती है कि ये सिर्फ लड़कियों की करने की चीज़ है और ये सिर्फ लड़कों की करने की चीज़ है, तो हमें एक बहुत कम एज से आइडिया मिल जाता है कि बड़े होने के बाद हमारी एक स्पेसिफिक जिम्मेदारियां हैं, स्पेसिफिक काम हमें करने हैं जब हम बड़े होके, व्हेन वी बिकम बिग गर्ल्स, व्हेन वी बिकम लेडीज, व्हेन वी बिकम विमेन, तो हमारी कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं जो हमें करने हैं,
इफ वी आर अ बॉय तो हमारे स्पेसिफिक रोल्स हैं घर चलाने के, फाइनेंस संभालने के, पूरी फैमिली का फाइनेंशियली देखभाल करने के। तो ये सारी चीजें हमें बचपन से ही बता दी जाती है कि व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े होंगे तो हमारे जो रोल्स हैं, हमारे जो काम रहेंगे वो स्पेसिफिक रहेंगे कि लड़कियों को ये स्पेसिफिक काम करना है और लड़कों को ये स्पेसिफिक काम करना है बड़े होके। तो ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें बहुत कम एज में सोसाइटी ये चीजें सिखा देती है। हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सारी चीजें हमें सिखा देती है दैट व्हेन वी ग्रो अप व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू, हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, हमारे को क्या रोल्स प्ले करने पड़ेंगे व्हेन वी ग्रो अप। तो इसीलिए चैप्टर का नाम भी है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, हमें क्या सिखाया जाता है। अगर इसी को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत क्लियरली आपको समझाऊं कि कैसे सोसाइटी लड़के और लड़की में डिफरेंस करती है, कैसे सोसाइटी लड़के और लड़की में डिस्टिंक्शन करती है, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टॉयज यानी कि खिलौने से। तो लड़कों को जो है, जो छोटे लड़के होते हैं उनको दी जाती है कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, जो गाड़ियां होती हैं वो उस टाइप के टॉयज लड़कों को दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई लड़की है तो उन्हें दिए जाती है डॉल्स खेलने के लिए, बारबी डॉल्स या कोई और टाइप की डॉल्स या फिर किचन सेट, ये टाइप के खिलौने लड़कियों को दिए जाते हैं। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है समझने का कि कैसे सोसाइटी लड़के और लड़की में बहुत कम एज से ही डिस्टिंक्शन कर देती है। तो कहीं ना कहीं हम लड़कों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे जो गेम्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग गेम्स हैं, तुम्हें बड़े होकर बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इस टाइप के ही शौक तुम्हें रखने हैं। वेयर एज लड़कियों को हम ऐसे टॉयज देते हैं डॉल्स, यानी कि जो थोड़े घर से रिलेटेड हो, डॉल्स के टॉयज देते हैं, किचन सेट होते हैं, डॉल हाउस होता है, बारबी डॉल्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लड़कियों को ये सिखा देते हैं दैट यू नीड टू बी वेरी पोलाइट, तुम्हें ऐसे घर के ही काम में, यू नो, यू नीड टू बी इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ टॉयज। तो टॉयज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमें समझ आता है कि सोसाइटी कैसे डिस्टिंक्शन करती है लड़के और लड़की में, और कैसे जो डिस्टिंक्शन होते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूचर और फ्यूचर रोल्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो आगे जाके करियर होगा वो भी डिसाइड कर देती है सोसाइटी बहुत कम एज में। यानी कि जब हम लड़कों को टॉयज, कार्स जैसे टॉयज देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको ये आइडिया उनके ब्रेन में डाल रहे हैं कि बड़े होके तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें मैकेनिक बनना है, या लड़कों वाले कार रेसिंग करना है, इस टाइप की चीजों में तुम्हें इन्वॉल्व रहना है, विच आर कंसिडर्ड वेरी मैनली या लड़कों का जॉब। वेयर एज लड़कियों को हम कहीं ना कहीं ये सिखा रहे हैं दैट यू नीड टू बी इन्वॉल्व इन हाउस वर्क, घर के काम काज में ही तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को, यू नो, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द हाउस वर्क, तुम्हें पोलाइट रहना है। ये सारी चीजें लड़कों और लड़कियों को सोसाइटी बहुत कम एज से सिखा देती है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा दैट हाउ सोसाइटी मेक्स वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड हाउ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस द फ्यूचर रोल्स एंड द करियर पाथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसे ही हम दो एक एग्जाम्पल्स लेंगे, पहला एग्जाम्पल है समोअन आइलैंड का, दूसरा एग्जाम्पल हम मध्य प्रदेश का लेंगे। मध्य प्रदेश इज इन इंडिया, समोअन आइलैंड इज इन पैसिफिक ओशन। तो हम बेसिकली दो एग्जाम्पल से ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पे लड़कों और लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, उनके बचपन से ही क्या डिस्टिंक्शन सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटियाँ कैसे डिस्टिंक्शन करती है, क्या काम लड़के और लड़कियाँ इन जगहों पे करते हैं। सो स्टार्टिंग विद समोअन आइलैंड, तो समोअन आइलैंड इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वैसा ही छोटा आइलैंड पैसिफिक ओशन में समोअन आइलैंड। तो अब समोअन आइलैंड में क्या होता था, 1920s के आसपास एक रिसर्च हुई थी समोअन आइलैंड में, और तब पता चला था कि यहाँ के जो बच्चे हैं दे डू नॉट गो टू स्कूल, ये स्कूल ही नहीं जाते हैं, इसलिए तो
आप स्कूल नहीं जाते तो क्या काम करते हैं यहाँ के बच्चे? तो यहाँ के बच्चे दे डू हाउस वर्क, चाइल्ड केयर एंड फिशिंग। ये तीन एक्टिविटीज थी जो बच्चे सबसे ज्यादा करते थे। हाउस वर्क यानी घर के काम बच्चे करते थे, चाइल्ड केयर यानी अपने छोटे भाई बहनों को की केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे, और फिशिंग करते थे यानी फिशेस को पकड़ते थे पॉन्ड्स या रिवर सी जो भी आए, क्योंकि एक आइलैंड है तो ऑब्वियसली हर जगह पानी पानी होगा यहाँ पे, तो फिशिंग भी बहुत करते थे। जस्ट इमेजिन यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इंस्टेड यहाँ पे ये सब काम करते थे बच्चे। जब बॉयज एंड गर्ल्स 5 साल के होते थे तो 5 years इज अ वेरी यंग एज, राइट? 5 years में हमें कुछ पता भी नहीं होता ढंग से कि आसपास चल क्या रहा है। इतनी कम एज में यहाँ के जो बॉयज एंड गर्ल्स होते थे दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, यानी कि इनके जो छोटे भाई बहन होते थे उनकी केयर करने लग जाते थे, उनकी देखभाल करने लग जाते थे। 5 साल के लड़के और लड़की अपने छोटे भाई बहनों की केयर करने लग जाते थे, और यहाँ के जो एडल्ट्स होते थे इस कारण से वो अपने काम पे चले जाते थे कि जो बच्चे उनको तो ये 5 साल के बच्चे हमारे जो बड़े बच्चे हैं वो सब संभाल लेंगे, इसलिए वो अपनी जॉब्स पे चले जाते थे, अपना काम करने चले जाते थे। और 5 साल के छोटे छोटे बच्चे अपने और छोटे भाई बहनों को संभालते थे। जब 9 साल के होते थे तो 9 years ऑफ एज जो लड़के होते थे वो फिर ये अपने छोटे भाई बहनों को संभालना बंद करते थे, एंड दे स्टार्टेड लर्निंग आउटडोर जॉब्स, यानी कि घर के बाहर जो जॉब्स होती थी जैसे कि फिशिंग एंड प्लांटिंग, 9 साल के बच्चे ये सारी जॉब्स सीखना शुरू कर देते थे। लेकिन जब लड़कियां 9 साल की होती थी, लड़कियां तब भी अपने घर का ही काम करती थी, अपने छोटे भाई बहनों को ही संभालती थी, और जो बड़े लोगों के काम होते थे छोटे मोटे, तो वो छोटे मोटे काम भी लड़कियां 9 साल की लड़कियां यहाँ पे कर लेती थी। सो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन हमको बहुत क्लियरली समझ आता है कि जैसे बॉयज एंड गर्ल्स 9 years ऑफ एज के होते थे तो बॉयज तो थे घर के बाहर की एक्टिविटीज संभालने लग जाते थे, फिशिंग करने सीखना करना और सीखना शुरू कर देते थे, प्लांटेशन यानी कि प्लांट्स उगाना, कोकोनट के प्लांट्स उगाना, कोकोनट के पेड़ उगाना शुरू कर देते थे। वेरा जब लड़कियां 9 साल की होती थी तो लड़कियां जो है घर के अंदर ही रहती थी तब भी, और अपने छोटे भाई बहनों को संभालती थी। तो पहला डिस्टिंक्शन बॉयज एंड गर्ल्स का हमें यहाँ पता चलता है। फिर जब लड़कियां 14 years ऑफ एज की होती थी, जब लड़कियां 14 साल की होती थी, तब वो भी आउटडोर जॉब्स करना सीखती थी, वो भी फिशिंग करना फिशिंग करने जाती थी, प्लांटेशंस वाला काम भी जो लड़के बहुत पहले ही सीख चुके होते थे 9 साल की एज में, लड़कियां जब 14 साल की होती थी तो ये सारे काम वो 14 साल के बाद सीखती थी, फिशिंग, प्लांटेशंस, बास्केट वीविंग यानी कि जो प्लांट्स के पत्ते होते थे उनसे कैसे बास्केट बनाई जा सकती थी, ये सारे काम लड़कियां कब सीखती थी? व्हेन दे टर्न 14, जब वो 14 साल की हो जाती थी तो ये सारे काम सीखती थी। फिर और अगर हम एज देखें तो यहाँ पे क्या होता था, जो खाना बनता था, जो कुकिंग होती थी वो स्पेशल कुकिंग हाउस में होती थी, यानी कि स्पेशल घर होते थे जहाँ पे खाना बनता था, और वहाँ पे लड़के तो जो थे वो सारा कुकिंग का काम करते थे। मोस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू कुकिंग वर डन बाय बॉयज, जितने भी लड़के थे वो कुकिंग का सारा काम करते थे, और जो लड़कियां होती थी वो कुकिंग में प्रिपरेशंस में हेल्प करती थी, यानी कि खाना बनाने की जो प्रिपरेशंस होती है जैसे वेजिटेबल्स कट कर दिए या फ्रूट्स कट कर दिए या इंग्रेडिएंट्स असेंबल कर दिए, तो ये सारे जो काम थी वो लड़कियां करती थी, और जो मेन काम था वो सारा लड़के करते थे कुकिंग का। तो यहाँ से हमें बहुत सारे डिस्टिंक्शंस मिलते हैं लड़के और लड़की के काम में, लड़के और लड़की के क्या रोल्स इस आइलैंड में होते हैं वो सब हमने पढ़ा इस समोअन आइलैंड के एग्जाम्पल से। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लड़के और लड़की में कैसे डिस्टिंक्शन किया जाता है तो वो अब हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जब भी पहले के टाइम पे ऐसा होता था मध्य प्रदेश में कि जैसे ही बॉयज एंड गर्ल्स 6th स्टैंडर्ड तक पहुंचते थे, 6th क्लास तक पहुंचते थे, तो बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग स्कूल कर दिए जाते थे। बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, गर्ल्स का स्कूल अलग होता था और बॉयज का स्कूल अलग होता था। कब होता था? एज सून एज दे रीच
सिक्स स्टैंडर्ड, सिक्स ग्रेड या सिक्स क्लास जैसे ही वो लोग पहुंच जाते थे, उनके स्कूल्स अलग होते थे। तो गर्ल्स के स्कूल कैसे होते थे? गर्ल्स के स्कूल बॉयज के स्कूल से बहुत अलग होते थे। तो गर्ल्स के स्कूल में ऐसा क्या डिफरेंस होता था? गर्ल्स के स्कूल में, गर्ल्स का जो स्कूल होता था वहां पे बीच में कोर्ट यार्ड होता था, यानी कि खेलने की जगह होती थी जहाँ पे लड़कियां पूरे सबसे एकदम दूर, एकदम सेफ्टी के साथ वहां पे खेल सकती थी। बट बॉयज के स्कूल में ऐसा कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता था। बॉयज के स्कूल के आसपास कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड होता था तो वहीं पे बॉयज खेल लेते थे। अलग से उनके स्कूल में कोई प्लेग्राउंड नहीं होता था, बल्कि लड़कियों के स्कूल में प्लेग्राउंड होता था जहाँ पे वो खेलती थी, जहाँ पे वे प्लेड इन टोटल सेक्लूशन, यानी सबसे एकदम कट ऑफ होके, सबसे एकदम दूर स्कूल के बीच में जो सेंट्रल कोर्ट यार्ड था वहाँ पे लड़कियाँ खेलती थी। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई कोर्ट यार्ड प्लेइंग एरिया नहीं होता था। स्ट्रीट्स जो है, यानी कि स्कूल के बाहर की जो सड़कें हैं, वो वहां से भी हमें एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन पता चलता है कि हाउ बॉयज यूज टू यूज दैट स्ट्रीट। वो जो स्ट्रीट होती थी स्कूल के बाहर, वहां पे बॉयज क्या करते थे और गर्ल्स के क्या करती थी उन स्ट्रीट्स पे। तब बॉयज क्या करते थे, वो ऐसे स्कूल के बाहर की जो सड़क होती थी उस सड़क पे लड़के ऐसे घूमते फिरते रहते थे, या फिर कुछ खेलते थे, या फिर उनकी जो साइकिल होती थी उस पे अलग अलग ट्रिक्स करके दिखाते थे, या साइकिल की रेस लगाते थे उस स्ट्रीट पे। तो वो जो स्ट्रीट थी स्कूल के बाहर वाली सड़क, वो उसको बॉयज ऐसे यूज करते थे, वहां पे बॉयज ये सब करते थे। लेकिन लड़कियां जो थी, फॉर देम स्ट्रीट बेसिकली मेंट दैट इट इज बेसिकली अ प्लेस स्ट्रेट टू द हाउस, यानी कि जो स्कूल के बाहर की जो सड़क थी लड़कियों को सीधा सीधा इतना समझ आता था कि स्कूल की जो बाहर की जो सड़क है वो सीधा उनको उनके घर ले जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो सड़क पे कुछ लड़कों जैसे खेलती नहीं थी, या साइकिल पे अपनी अलग अलग ट्रिक्स नहीं दिखाती थी, साइकिल रेस नहीं करती थी, वो सीधा स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर आ जाती थी उन सड़कों से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी समझने की है, जो लड़कियां जो थी इन स्ट्रीट्स पे ग्रुप बना के चलती थी, झुंड में चलती थी, ग्रुप तीन चार लड़कियां एक साथ चलती थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर होता था कि या तो हमें कोई चिढ़ाएगा, कोई लड़का हमें चिढ़ा सकता है अगर हम अकेले चलेंगे, या फिर हम पे अटैक हो सकते हैं, हमारे साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है, ईव टीजिंग हो सकती है। इस कारण से लड़कियां जो है ग्रुप बना के चलती थी, चार पांच लड़कियां एक साथ चलती थी, अकेले कोई लड़की नहीं जाती थी। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से भी हमें बहुत सारे डिस्टिंक्शंस लड़की और लड़की में पता चलते हैं कि कैसे इनके स्कूल्स अलग होते हैं, क्या स्कूल्स में अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं, बॉयज को कितना ज्यादा फ्रीडम होता है सड़कों पर, वेराज गर्ल्स को कितना कम फ्रीडम होता है स्ट्रीट्स पे, प्लस गर्ल्स को कितना फियर होता है वाइल गोइंग बैक टू देयर हाउसेस फ्रॉम स्कूल। घर जाते हुए उनको कितना डर होता है कि कोई हम पे अटैक कर सकता है, कोई हमें चिढ़ा सकता है, कोई कमेंट पास कर सकता है हम पर, तो इसलिए वो ग्रुप्स में चलती थी। तो आई होप ये जो दोनों एग्जाम्पल्स थे, समोअन आइलैंड और मध्य प्रदेश का, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे अलग अलग जगहों पे बॉयज एंड गर्ल्स में डिस्टिंक्शन किया जाता है। अब अगर हम बहुत सारी सोसाइटीज की बात करें, जनरल बात करें, तो ये बात हमारे सामने आती है कि मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मेन एंड वेमेन डिफरेंटली, यानी कि लड़कों और लड़कियों में बहुत डिफरेंस किया जाता है। लड़कों की जो वैल्यू है, लड़के जो काम करते हैं उसकी वैल्यू लड़कियों के काम से बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है ये बहुत इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी ये रीजन फाइंड करने की कोशिश कर रही है कि क्यों मेन आर वैल्यूड मोर देन वेमेन, या वाई वेमेन्स रोल्स एंड वेमेन्स वर्क आर वैल्यूड लेस देन मेन्स वर्क, यानी कि जो औरतों का काम है उसको वैल्यू बहुत कम दी जाती है एज कम्पेयर टू आदमियों के जो काम है। तो हमें ये भी पता चलता है कि मेन और वेमेन का सेम स्टेटस नहीं है, एक इक्वल स्टेटस नहीं है। मेन का काम या मेन कि जो रोल्स होते हैं, मेन के जो वर्क होते हैं वो हमेशा विमेन से ज्यादा होते हैं, विमेन जो काम करती है वो हमेशा उसकी वैल्यू कम होती है।
सो वेमेन्स वर्क इज बेसिकली डी वैल्यूड. डी वैल्यूड का क्या मतलब होता है? जब हम कोई काम करते हैं तो जो हमने काम किया अगर उसके लिए हमें सही रिकग्निशन नहीं मिलती, सही रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या हमारे काम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता कि ये जो काम है उन लड़कियों ने किया, कि ये जो काम है ये महिलाओं ने किया, औरतों ने किया या किसी ने भी किया, जब हमें हमारी काम के लिए रिकग्निशन नहीं मिलती, हमारे काम के लिए हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो उसको हम कहते हैं डी वैल्यू. यानी कि हमारी काम की जो वैल्यू है उसको सही वैल्यू नहीं मिलना इज बेसिकली डी वैल्यू. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अलग अलग सोसाइटी में मेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मेन का जो काम है उसकी वैल्यू, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. तो इससे हमें पता चलता है, सीधा सीधा पता चलता है कि विमेन की जो वैल्यू है, विमेन के काम की जो वैल्यू है, विमेन्स वर्क इज ऑफन डी वैल्यूड. उसकी सही वैल्यू नहीं दी जाती जो भी काम औरतें करती है, जो भी काम विमेन करती है. अब ऐसा ही काम होता है हाउस वर्क, यानी घर के सारे काम जो बहुत सारे होते हैं लेकिन औरतों को उसकी वैल्यू नहीं दी जाती. सो अक्रॉस द वर्ल्ड ये समझा जाता है कि जो घर के जो सारे काम हैं, बच्चों को संभालने के काम हैं, ये मेनली औरतों के ही होते हैं. सो अक्रॉस द वर्ल्ड हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइज विद विमेन. घर को संभालने के काम और बच्चों को संभालने के काम औरतों के ही होते हैं और औरतों को ही दिए जाते हैं, औरतें ही करती है अक्रॉस द वर्ल्ड. ये कोई इंडिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ या कोई स्पेसिफिक स्टेट की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में ये समझा जाता है कि घर के काम और बच्चों को संभालने के काम, यानी कि हाउस वर्क एंड केयर गिविंग वर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू विमेन. तो विमेन का जो काम होता है घर के अंदर उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता. हम बहुत बार अपनी मम्मी या दादी को भी बोल देते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते, हम बहुत बार बोल देते हैं अरे आप काम ही क्या करते हो. तो इन रियल हमारी मम्मी, हमारी दादी ये बहुत काम करती है, जस्ट बिकॉज ये घर के काम कर रही है तो हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम आपको ये समझना होगा कि घर के काम की भी बहुत वैल्यू होती है. कैसे वैल्यू होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट आगे वीडियो में समझेंगे. बट हम हमारी विमेन के जो काम होते हैं जो घर के अंदर होते हैं, हाउस होल्ड के अंदर होते हैं, विद इन द होम होते हैं, उसको हम रिकग्नाइज नहीं करते, यानी कि उसको हम डी वैल्यू कर देते हैं, डी वैल्यूड वर्क होता है. अब ऐसा क्यों समझा जाता है कि औरतों के काम घर के अंदर के ही काम है या बच्चे संभालने के ही काम होते हैं औरतों के? वो इस रीजन से होता है बिकॉज इट इज अज्यूम दैट दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, इट कम्स वेरी नेचुरली टू वुमेन कि कैसे बच्चों को संभालना है, घर के सारे काम कैसे करने हैं. ये बहुत नेचुरली वुमेन को तो आता ही होगा, औरतों को ये सारे काम आते होंगे. तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये सारे काम औरतों के ही हैं, बट इन रियलिटी ये जो काम है ये सिर्फ औरतों के ही नहीं होते हैं. इवन मेन शुड नो कि घर कैसे संभाला जाता है, कैसे बच्चे संभालते हैं, बिकॉज वर्क नीड्स टू बी इक्वल. दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के वर्क इक्वल होने चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस. ये सारे काम औरतों के ही समझे जाते हैं, प्लस इतना काम करने के बाद भी विमेन्स वर्क इज डी वैल्यूड, उनको सही रिकग्निशन नहीं मिलती इस कारण से, क्योंकि ये काम समझे जाते हैं कि ये तो विमेन को बहुत नेचुरली आने चाहिए, बहुत नेचुरली आते हैं, इसलिए उनको कोई पे नहीं देते, हम कोई सैलरी नहीं देते. बट इन रियल हमारी जो मम्मी है वो इतना सारा काम करती है बट स्टिल उनको हम पे नहीं करते, उनको इस काम के पैसे नहीं मिलते. और क्योंकि कोई पैसे नहीं मिलते इस काम के लिए इतना सारा काम करने के बाद भी, दैट्स वाई सोसाइटी डी वैल्यू देयर वर्क. यानी कि उनका इतना काम करने पे भी हम उनके काम को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते उनके काम के लिए, दैट्स हाउ वी डी वैल्यू देयर वर्क. अब मैंने कहा था कि मम्मी जो है बहुत सारा काम करती है घर के अंदर बट उनको रिकग्निशन नहीं मिलता. तो वो इतना सारा काम क्या होता है, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली मम्मी को कह देते हैं आप काम ही क्या करते हो, बट ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि जो घर के काम होते हैं वो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टास्क, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क. ये क्या वर्क होते हैं,
कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, ये सारा घर के अंदर का काम है। सो हाउस वर्क इन्वॉल्व्स डिफरेंट टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग द हाउस, स्वीपिंग द हाउस, और भी बहुत सारे काम होते हैं। और इन सारे काम में बहुत फिजिकल वर्क लगता है, यानी कि बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है इन सारे काम को करने के लिए। बार बार बेंड होना पड़ता है, हैवी चीजें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना होता है, भारी चीजों को औरतों को कैरी करना पड़ता है। तो ये बहुत हैवी फिजिकल वर्क होता है, बहुत फिजिकली डिमांडिंग वर्क होता है, क्योंकि बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ लगती है घर के काम करने में। इनफैक्ट जो रूरल एरियाज हैं, यानी कि जो गांव के एरियाज हैं, वहाँ पे आज भी औरतें और छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत दूर तक पानी लेने जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मटके होते हैं उनके सर पे, बहुत हैवी लोड वो लोग कैरी करती हैं और बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाती हैं। इनफैक्ट रूरल एरियाज में औरतें जो है जंगलों से बहुत सारी बहुत भारी भारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है, तो इसमें भी बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। बट हम क्या करते हैं, हम तो उनके काम को काम ही नहीं मानते हैं, हम उनके कामों को वैल्यू ही नहीं देते हैं, हम सीधा सीधा उनके कामों को डी वैल्यू कर देते हैं। यानी कि विमेन का जितना भी काम है वो बहुत फिजिकली डिमांडिंग होता है, यानी कि बहुत स्ट्रेन्यूअस होता है। स्ट्रेन्यूअस का मतलब होता है बहुत थका देता है औरतों को, इतना काम होता है कि वो थक जाती हैं, और इतना फिजिकली डिमांडिंग होता है, यानी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी लगती है, बट हम तब भी उनके काम को काम नहीं समझते, उनके कामों को डी वैल्यू कर देती है सोसाइटी। इनफैक्ट अगर हम विमेन का जितना काम होता है घर के इनसाइड, और अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो घर के बाहर भी वो जितना काम करती है, इन दोनों कामों को अगर मिला दे तो हमें पता चलता है विमेन जो है ऑन एन एवरेज पूरे वीक में आदमियों से बहुत ज्यादा काम करती हैं। देयर वर्क इज डबल। आदमी यूजुअली घर के बाहर ही काम करते हैं, वो जॉब करते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, बट विमेन को है घर का काम भी करना पड़ता है, और जो वर्किंग विमेन है उनको घर के बाहर का काम भी करना पड़ता है। तो विमेन हैव टू वर्क मच 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 मोर देन मेन, बट उनके वर्क को वर्क नहीं समझा जाता है, उनके वर्क को डी वैल्यू कर दिया जाता है, और घर के कामों को हम घर कोई काम ही नहीं समझते। इस कारण से विमेन इतना सारा काम करती है लेकिन तब भी उनके कामों को वैल्यू नहीं दी जाती, और विमेन के पास जो है खुद के लिए बहुत कम टाइम बचता है, क्योंकि उनका सारा काम तो घर के काम, बाहर का काम, बच्चे संभालने, इन सब में ही पूरा हो जाता है। बात आती है डोमेस्टिक वर्कर्स की। डोमेस्टिक वर्कर्स वो होते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, हमारी हेल्प करवाते हैं घर के कामों में। यानी कि अगर हो सकता है आपके घर में कोई मेड आती हो जो झाड़ू पोछा करती हो या बर्तन साफ करती हो, या फिर कोई कुक आती हो या कुक आता हो, इन लोगों को हम कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, जो हमारे घर के कामों में हमारी हेल्प करते हैं। ये यूजुअली जो बड़ी बड़े शहर होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती है, वहीं पे डोमेस्टिक वर्कर्स, वहीं पे सर्वेंट्स ऐसे पाए जाते हैं। छोटी जगहों पे हैं जो लोग खुद ही अपना सारा काम कर लेते हैं। अब ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये भी बहुत काम करते हैं। दे स्वीप द हाउस, दे क्लीन द हाउस, दे वॉश आर क्लोथ्स, दे वॉश आर यूटेंसिल्स। ये लोग कुछ घरों में खाना भी बनाते हैं, इनफैक्ट ये उस घर के बच्चों को भी संभालते हैं, या कोई बूढ़े लोग किसी घर में तो उन लोगों को भी संभालते हैं। तो डोमेस्टिक वर्कर्स भी बहुत सारा काम करती हैं, और ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ये मेनली विमेन होती हैं, यानी कि औरतें होती हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में हो और अगर आपके घर में कोई मेड काम करने आती है, या झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने आती है, या कोई खाना बनाने आती है, तो 90% ऑफ द टाइम ये कोई फीमेल ही होगी, कोई औरत ही आपके घर में आ रही होगी ये सारा काम करने के लिए। ये इतना सारा काम करती हैं तब भी हम इन्हें इनके काम के लिए सही वैल्यू नहीं देते। दे डू नॉट गेट मच वैल्यू फॉर देयर वर्क। इनका जो वेजेस होती है, यानी कि इतना सारा काम करने के बाद भी इनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, प्लस इनको रिस्पेक्ट भी बहुत कम मिलती है ये सारे काम करने के लिए। तो
हमें डोमेस्टिक वर्कर्स के काम को भी वैल्यू करना चाहिए. वी नीड टू रिस्पेक्ट देयर वर्क ऑल्सो, बिकॉज ये लोग भी बहुत सारा काम करते हैं. जस्ट बिकॉज इनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतनी सैलरी नहीं मिलती, उतनी वेजेस नहीं मिलती, तो इनका काम भी डीवैल्यू हो जाता है. मूविंग अहेड टुवर्ड्स विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी. तो अभी हमने समझा कि विमेन के जितने भी काम होते हैं, घर का काम और बच्चों का काम, उसको बहुत कम वैल्यू दी जाती है. दे आर गिवन वेरी लो वैल्यू. और ये कोई एक किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है या किसी एक घर की प्रॉब्लम नहीं है कि उस पर्टिकुलर घर में औरतों का जो वर्क है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता या वैल्यू नहीं दी जाती. ये किसी एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी एक औरत की प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ फ्यू वुमेन और दिस इज नॉट अ फैमिली मैटर. ये एक पब्लिक इशू है. अक्रॉस द वर्ल्ड विमेन को उनके कामों के लिए सही रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनके कामों की सही वैल्यू नहीं की जाती. एंड ये एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का सिस्टम है. दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन. कैसे इनइक्वालिटी है, तो बहुत सिंपल है. हम आदमियों के कामों को, वी आर गिविंग वेरी मच रिस्पेक्ट टू मेन्स वर्क, देयर रोल्स विच दे प्ले, हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू अटैच कर रहे हैं. बट वेन वेमेन आर वर्किंग मच मोर देन मेन, घर का भी काम करती हैं, घर के बाहर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, इतना सारा काम करती हैं, आदमियों से मेन से बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बट दे आर नॉट गिविन ड्यू रिस्पेक्ट, देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड. इस कारण से ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की है. हर जगह, हर कंट्री में वुमेन हैव टू फेस द सेम इनइक्वालिटी, द सेम प्रॉब्लम दैट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एज मच अ मेन्स वर्क इज वैल्यूड. तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये किसी एक पर्टिकुलर घर या पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. It has to be dealt with government level. It has to be dealt at family and government level. यानी कि family में जो हमारी families होती है, वहाँ पे भी हमें ये value करना चाहिए कि हमारे घर में हमारी मम्मी कितना काम करती है. दिन भर सुबह से रात तक हमारी मम्मियाँ काम करती रहती हैं, घर के भी काम करती हैं, बाहर के भी काम करती है, हमारा भी सारी पूरी केयर मोस्टली हमारी मम्मी ही करती है. Whereas our fathers usually they go out and work, but हमारी मम्मी इतनी काम करती है, तो change should start from our house. हमें अपनी मम्मी के काम को भी recognize करना चाहिए. We should value their work that they are also working a lot. And next time हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि आप तो काम ही क्या करते हो, बिकॉज उनको भी हर्ट होता होगा कि इतना काम करने के बाद भी इतने ईजिली सब लोग कह देते हैं कि आप काम ही क्या करते हो. We do not have to say these things to our mothers. और जो कोई ये ऐसी बातें बोलता है, हमें उनको भी समझाना है that they work so much and we need to value their work. Because जब हम लोग value करेंगे, तभी there will be a change in our house and in our surroundings. तो ये तो हुआ, ऐसे family level पे change आएगा. But government level पे भी government को भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी टू इंश्योर विमेन्स इक्वालिटी. एक जो सेम इक्वल इक्वालिटी हो मेन और विमेन में, उसको प्रिवेल करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो रूल बुक, ये मैं हर वीडियो में, जब से हमने सिविक्स के चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आ रहा है. और मैं हर वीडियो में बता भी रही हूँ दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल बुक होती है हम सिटीजन्स के लिए, कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते, क्या चीज़ें हमें करने चाहिए, हमारे क्या राइट्स हैं, अधिकार हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है दैट मेल और फीमेल में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर. यानी मेल और फीमेल के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. बट इन रियलिटी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है. क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है ये हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो जो लड़कियां हैं, जो विमेन है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर
सिबलिंग्स, दे हैव टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, उन्हें घर का भी सारा काम करना पड़ता है। इस कारण से लड़कियों की जो है एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क मेनली फॉल्स ऑन विमेन, ये सारा जो भार है, ये सारा जो एक प्रेशर है घर संभालने का, बच्चे संभालने का, ये मेनली विमेन और छोटी लड़कियों पे ही होता है, क्योंकि लड़के तो ये सारे काम नहीं करते। हम उनको सिखाते ही नहीं है कि ये काम भी उनको भी करने चाहिए, वो ये सब काम करते नहीं। तो जो लड़कियों की जो एजुकेशन है इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर के कामों में इतने बिजी होती हैं कि वो स्कूल तो अटेंड कर ही नहीं पाती। इस कारण से गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि लड़कियां भी स्कूल में पढ़ पाएं, एक इक्वालिटी जो है मेन और वुमेन में वो मेंटेन हो सके। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने दे हैव सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस, यानी कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले हैं, आंगनवाड़ीज खोली है, जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर हो सकती है, और जो बड़ी लड़कियां हैं या जो विमेन हैं वो अपने काम पे बहुत इजीली चले जाएं, या उन्हें बच्चे संभालने का टेंशन ना हो। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली एक ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले हैं जहाँ पे बच्चों की देख रेख हो सकती है, और जो लड़कियां हैं वो, जो बड़ी लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड कर ले, और जो बड़ी विमेन है वो जाके कोई दूसरा काम करके उतनी देर तक वो कोई दूसरा काम कर सकती हैं। सो गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स। गवर्नमेंट ने काफी लॉज भी पास किए हैं। वो क्या लॉ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 30 से ज्यादा औरतें काम कर रही हैं, If any organization have more than 30 women employees in their organization, तो उस organization को crash facilities provide करनी होगी उन औरतों को। अभी crash facilities क्या होती है? Crash facilities basically ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चों की care की जाती है, वहाँ पे बच्चों को अलग अलग games खिलाए जाते हैं, उनकी पूरी care की जाती है, उनको खाना दिया जाता है time to time, ताकि जो मदर्स है उनका अटेंशन डाइवर्ट ना हो, उनको ये टेंशन नहीं हो अरे बाप रे उसको संभालना है, अभी वो रोने लगेगा या रोने लगेगी, या उसको टाइम टू टाइम मुझे खाना देना है। तो मदर्स क्या करती हैं, इन फैसिलिटीज में अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। यहाँ पे जो दूसरी औरतें हैं इन क्रैश फैसिलिटीज में, वो उनके बच्चों की केयर करती हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना देती हैं, और इस कारण से जो औरतें हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से, ऑफिस का जो काम है वो सब बहुत अच्छे से फुलफिल कर लेती है। तो गवर्नमेंट ने कैसा लॉ पास किया है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज मोर देन 30 वुमेन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इन वुमेन एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। इसके अलावा द प्रोविजन ऑफ क्रैश, यानी कि जो क्रैश फैसिलिटीज है, दिस हैज हेल्प मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड देयर हाउस। पहले क्या होता था, औरतों जो लेडीज होती थी वो अपने घर के काम में ही बिजी हो जाती थी, बच्चों को संभालने में ही बिजी हो जाती थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती थी। तो विमेन सारा टाइम उनका बच्चों की केयर में ही चला जाता था, इसलिए वो बाहर के काम नहीं कर पाती थी। बट गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे क्या हुआ, जितनी भी विमेन थी वो अपने बच्चों को इन क्रैश फैसिलिटीज में दे देती थी और खुद घर के बाहर के काम करने चली जाती थी। तो इससे विमेन एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इस कारण से जो लड़कियां थी वो भी स्कूल अटेंड कर पाई, बिकॉज उनको दे डू नॉट हैव टू लुक आफ्टर देयर यंगर ब्रदर और सिस्टर, वो क्रैश फैसिलिटीज में बच्चों को दे देती थी और खुद स्कूल अटेंड करने जा सकती थी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि कैसे सोसाइटी लड़की और लड़कियों में, बॉयज एंड गर्ल्स में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देती है कि लड़कों के क्या काम है और लड़कियों के क्या काम है, और बड़े होके उन्हें कौन से रोल्स, कौन सी जिम्मेदारियां संभालनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हाउ सोसाइटी टीच अस दीज थिंग्स एंड दीज रोल्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज।
इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट कैसे विमेन इतना सारा काम करती हैं घर का, बट उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती. देयर वर्क इज ऑफन डी वैल्यूड. डोमेस्टिक वर्क जो भी मेनली विमेन ही होती हैं, उनको काम उनके कामों को भी इतनी वैल्यू नहीं दी जाती. एंड हाउ गवर्नमेंट हैज प्लेड अ रोल इन इनिशिएटिंग इक्वालिटी, मेंटेनिंग द इक्वालिटी, और कैसे उसका फायदा विमेन को हुआ है. सो बेसिकली वी हैव स्टडीड ऑल इन दिस चैप्टर. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इनइक्वालिटी है मेन और विमेन के वर्क में, ये किसी पर्टिकुलर फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है या किसी पर्टिकुलर विमेन की प्रॉब्लम नहीं है. इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम होती है, एंड विमेन आर कंटिन्यूसली फाइटिंग अगेंस्ट दिस इनइक्वालिटी. सो आई होप इस चैप्टर में और ये वीडियो में सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. एंड अब हम बात करेंगे अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में. सो एज द नेम सजेस्ट, फ्री स्पेशल क्लासेस, ये क्लासेस बिल्कुल ही फ्री है. आप एकदम मुफ्त में इनको अटेंड कर सकते हो, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. ये क्लासेस कहाँ लगेंगी? सो ये क्लासेस अन अकेडमी के ऐप पर लगेंगी, लर्नर्स ऐप पे, जहाँ पे आप इन कोई भी सब्जेक्ट के लिए ये फ्री क्लासेस ले सकते हो. अब इस फ्री क्लासेस के क्या फीचर्स हैं? तो इनके ये फीचर्स हैं कि आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो. यू गेट टू इंटरैक्ट विद द एजुकेटर. जैसे ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जहाँ पे हम इंटरैक्शन नहीं कर पा रहे. मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे अपलोड हो गया. यहाँ पे आप सिर्फ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ रहे हो, बट आपको अगर कोई बीच में क्वेश्चन आता है तो आप पूछ नहीं सकते. सो बेसिकली ये लाइव क्लास नहीं है, बट अगर आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, प्लस आप एजुकेटर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. उनको अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप वापस बोल सकते हो कि यू नो मैम और सर प्लीज एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट अगेन, और एजुकेटर्स आपको वो पढ़ाएंगे. प्लस यहाँ पे एजुकेटर्स आपसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑप्शंस भी दे सकते हैं, और आपको उनका आंसर करना होगा. इट्स लाइक KBC, बट द ओनली डिफरेंस इज मिस्टर अमिताभ बच्चन डजंट आस्क द क्वेश्चन है, द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आस्क दीज क्वेश्चंस. तो ये बहुत फन होता है, बहुत मजे आते हैं ऐसे बैक टू बैक क्वेश्चन के आंसर देने में. प्लस आपको ये भी पता चलता है साथ साथ कि आपको कितने जो है कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझने की जरूरत है. सो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस के बहुत सारे फीचर्स हैं. प्लस आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि एजुकेटर्स के जितने भी एजुकेटर ने क्वेश्चन पूछे, जितने भी टीचर ने क्वेश्चन पूछे, आपके फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स जो वो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने कितने सही आंसर दिए, आपने कितने सही आंसर दिए. तो यू गेट टू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स, आप उनके साथ एक कॉम्पिटिशन कर सकते हो. तो अगेन आई एम सेइंग अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में बहुत मजा आता है और लर्निंग बिकम्स वेरी फन. बहुत मजे आते हैं सीखने में और समझने में. तो आप ये स्पेशल क्लासेस तो आपको लेनी ही चाहिए बिकॉज दे आर टोटली फ्री. आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अनअकैडमी के ऐप पे डाउनलोड करना है. एंड आपको जिस भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस चाहिए, स्पेशल क्लासेस, वहां से आप ले सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो आपको क्या फीचर्स मिलेंगे? तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे. वो क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. आप अपने घर में बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, आराम से लेट के पढ़ सकते हैं. इट्स जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे आप पढ़ सकते हो. यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. आपको जो भी कोर्स पढ़ना हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप आराम से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं. यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. जो पूरे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाते हैं. आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. अगर आपको कोई भी एकेडमिक डाउट्स हो तो रेगुलर बेसिस पे आप वीकली बेसिस पे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स. प्लस
पूरा जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का वो बहुत अच्छी तरीके से अनअकैडमी पे, वहाँ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जाता है, बहुत फन तरीके से मज़ेदार वे में कवर किया जाता है। प्लस आपको एक मेंटर भी मिलता है, बल्कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिल जाता है तो वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज आपका मेंटर जो है वो आपको गाइड करता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो एज अ फ्रेंड आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल देगा, आपको कहीं और जाने की इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैं अपना आंसर लिखूंगी, मेरे पास तो मटेरियल ही नहीं है, कैसे लिखूंगा। अनअकैडमी आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे अनअकैडमी का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होगा, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस, अपनी परफॉर्मेंस कितना आपको समझ आ रहा है ये सब आप एनालाइज कर सकें। लाइव टेस्ट होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, MCQs होंगे रोज के, ये सब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलते हैं। एक सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहां पे जाके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, 6 मंथ्स का हो गया, 12 मंथ्स का हो गया, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के पैकेजेस हैं। आपको जो कोर्स पढ़ना है या जिस क्लास में, आप अकॉर्डिंगली आप ये पैकेजेस ले सकते हैं। इन सब पैकेजेस की प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और अगर आप सबसे साइड वाला मोबाइल फोन का ये जो इमेज है वो देखेंगे तो आपको 10% ऑफ होने के बाद क्या प्राइसेस हैं वो भी दिख रहे हैं। और ये 10% आपको कैसे मिलेगा, तो ऑफ कोर्स अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन में एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन मेंशन है, PJAIN10, अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको किसी भी पैकेज पे सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी दे रहा है, आज के टाइम पे तो कोई इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहता बच्चों पे, बट अनअकैडमी कर रहा है और बहुत नॉमिनल से प्राइस है। इनफैक्ट आपके जो फिजिकल ट्यूशन होते हैं उससे भी कम प्राइजेस अनअकैडमी पे होते हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आपको अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जस्ट टेल योर पेरेंट्स की कितने बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के, और आई गारंटी यू कि विद इन अ वीक आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। ये तो थी नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात, अब आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले तो ये कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन बताया, अब कोई दूसरा ही सब्सक्रिप्शन बता रही है, तो ये चक्कर क्या है। नहीं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज आपको दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेन से जाना हो, अब ट्रेन में जनरल कोचेस भी होते हैं, स्लीपर कोचेस भी होते हैं, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी के भी कोचेस होते हैं, राइट। अब जाना तो सेम ही जगह, कहीं पे भी बैठ के जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और फर्क कैसे पड़ता है, हमारे कंफर्ट से, हम कितने लग्जूरियसली जा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अब जनरल कोचेस में ऑब्वियसली कम फैसिलिटीज होगी, कम कंफर्ट्स होंगे, बट अगर आप फर्स्ट एसी का टिकट लेते हो ट्रेन का, तो ऑब्वियसली बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत कंफर्टेबल होगा, तो वहाँ की जो बर्थ होती है, जो सीट होती है, वही बहुत कंफर्टेबल होती है उन कोचेस की। तो वैसे ही अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो बेनिफिट्स आपको सारे मिलेंगे, जो पहले वाला सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन मैंने बताया, उसके सारे बेनिफिट्स यहाँ पे भी मिलेंगे, बट ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे थोड़े से और बेनिफिट्स मिलेंगे। वो क्या बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है, वहां पे तो एक जनरल मेंटोर मिल रहा था जो सब बच्चों को गाइड करता, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल रहा है जो आपको पर्सनली गाइड करेगा कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, हाउ यू शुड एनहांस योर स्किल्स, कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो या कर सकते हो, वो सब आपको आपका मेंटोर पर्सनली बताएगा। प्लस आप यहाँ पे लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो, वहाँ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में रेगुलर डाउट क्लियरिंग था, यानी पूरे वीक में कोई एक क्लास डाउट क्लियरिंग की हो जाएगी, बट यहाँ पे तो आप लाइव क्लासेस में लाइव पूछ सकते हो। अगर कोई टॉपिक एजुकेटर पढ़ाता है और आपको नहीं समझ आए, कोई डाउट हो, तो आप हाथ की हाथ उसी टाइम पे एजुकेटर से पूछ सकते हैं अपने सारे अकेडमिक डाउट्स। प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलती हैं,
वीकली रिपोर्ट्स यानी पूरे वीक के थ्रू आउट द वीक आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, हाउ यू हैव परफॉर्म थ्रू आउट द वीक, हाउ यू कैन इम्प्रूव, हाउ यू शुड इम्प्रूव, वॉट ऑल यू शुड डू टू इम्प्रूव, वो सारी एक वीकली रिपोर्ट अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। प्लस यहाँ पे पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट होगा, जहाँ पे पेरेंट्स कैन आस्क ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर चाइल्ड्स सब्जेक्ट, फ्यूचर, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स द पेरेंट्स कैन आस्क द एजुकेटर्स, एंड एजुकेटर्स विल कामली एंड वेरी नाइसली सॉल्व ऑल ऑफ दीज डाउट्स। इसके अलावा अनअकैडमी स्टडी प्लानर भी आपको प्रोवाइड करेगा, और जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ भी देख सकते हो, दैट विल बी बेसिकली अ स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली जो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको मिलेगी, और आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस को मंथली, अपने स्टडी को मंथली ट्रैक कर सकते हैं, और कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। प्लस इसके अलावा इतने सारे जो हमने नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के अभी बेनिफिट्स और फीचर्स देखे, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपकी स्क्रीन पे सारे प्राइस लिखे हुए हैं। अगेन सेम पैकेजेस होते हैं, 6 मंथ का के बेसिस पे पैकेज होता है, 12 मंथ्स का पैकेज है, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का पैकेज है। आप कोई भी पैकेज अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन कोई भी पैकेज का ले सकते हैं। और अगर आप एक्सट्रीम साइड में अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको मोबाइल फोन पे 10% डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस है वो भी दिख जाती है, कि अगर आप नॉर्मल पैकेज लोगे तो हर मंथ आपको 2000 रुपीज देना पड़ेगा इफ यू टेक द 24 मंथ वाला पैकेज। बट अगर आप 10% डिस्काउंट यानी कि मेरा कोड यूज करते हो और आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो आपको हर मंथ 1800 रुपीज ही हर मंथ देने पड़ेंगे, दैट इज 24 मंथ पैकेज। ऐसे ही हर मंथ के पैकेज के जो नॉर्मल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो दिए हुए हैं, और 10% ऑफ होने के बाद क्या प्राइस है वो भी दिए हुए हैं। अभी 10% कैसे यूज करना है तो अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। So that was all from my end. Thank you so much for watching this video till the end, for staying tuned. It means a lot to me and I hope आपको इस वीडियो में जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। And please like and share and subscribe to the Unacademy channel. Like this video ताकि हम जैसे educators को और ज़्यादा motivation मिले to bring the best content to you. Share this video amongst your classmates, batchmates. अगर आपकी ही एज का 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ने वाला कोई आपका रिलेटिव है, कजिन है, तो प्लीज देन शेयर दिस वीडियो टू देम एज वेल एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल, बिकॉज तभी आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड अनअकैडमी पे क्या चल रहा है चैनल पे वो सब आपको पता चल जाएगा। एंड हिट द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन और अपडेट्स फ्रॉम अनअकैडमी। So that was all from my end. Thank you so much, and together you and we can crack any exam. So let's crack it with Unacademy. Thank you so much for watching this video.